रोशनी है सनातन के गौरवशाली इतिहास की। ये चमक है राम लला के वैभवशाली सूर्याभिषेक की। ये उत्सव है श्री राम के जन्मदिन का। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हुए और करीब 500 सालों बाद आज राम लला ने अवधपुरी में अपना जन्मदिन मनाया। राम नवमी का पावन पर्व बेहद खास रहा क्योंकि सूर्यवंशी राम लला का अभिषेक करने खुद सूर्यदेव अपनी किरणों के जरिए गर्भगृह में पहुंचे। प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य की ये किरणें किसी चमत्कार से कम नहीं। जिसने प्रभु श्री राम के अलौकिक रूप के दर्शन किए वो धन्य हो गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राम लला का ये दिव्य स्वरूप देख हर राम भक्त अभिभूत हो उठा। राम लला के इस दिव्य अभिषेक के दर्शन उनके परम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किए। राम काज के बाद राष्ट्र काज में लगे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आराध्य के दर्शन ऑनलाइन किए। पीएम मोदी राम लला के पहले यजमान थे। चुनावी व्यस्तता के बीच भी मोदी अपने प्रभु से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर मोदी की राम भक्ति की जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर राम लला में मोदी की आस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीएम मोदी जब अपने आराध्य के अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर रहे थे तो वो तस्वीरों में नंगे पैर नजर आए। पीएम मोदी की ये तस्वीर समझने के लिए काफी है कि राम में मोदी की कितनी गहरी आस्था है। प्राण प्रतिष्ठा के समय पीएम मोदी ने प्रभु श्री राम की जो व्याख्या की थी वो एक बार फिर पूरी दुनिया ने देखी। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और 2047 के विजन को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। असम के नलबाड़ी की जनसभा में पीएम मोदी ने एक बार फिर राम के जयकारे लगाए। सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें, प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम नवमी के शुभ दिन पर अभिजीत मुहूर्त में 3 मिनट तक राम लला का सूर्य तिलक किया गया। सूर्य तिलक के साथ ही राम लला का जन्म हुआ। मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार किए गए। 51 कलशों से प्रभु श्री राम को स्नान कराया गया। आज प्रभु के दर्शन से कोई अछूता ना रह जाए इसके लिए मंदिर के पट 20 घंटे तक खुले रहेंगे, जिसे देश के कोने कोने से आए राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। चलो चलो माँ कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। राम के सब और राम सबके हैं, यही वजह है कि हर राम भक्त खुद राम लला की ओर खींचा चला आता है। और जब दिन राम लला के जन्मदिन का हो तो भक्तों की ऐसी भीड़ का होना लाजमी है। राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ समेत हनुमानगढ़ी में भक्तों की ये भीड़ बता रही है कि राम लहर में डूबने को हर कोई आतुर है। यह मेरे अस्मिता का प्रश्न था, राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न था, और राष्ट्र की अस्मिता के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अभी राम हमारे दिल में निवास करते हैं और मोदी जी मेरे दिल में निवास करते हैं। आनंद तो कभी होगा ही नहीं। धन्य है मोदी जी, धन्य है भाजपा। परसल आए थे ना तो इतना अच्छा नहीं था, इस साल बहुत अच्छा है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या में दर्शन की उत्तम व्यवस्था की है। राम नवमी के पावन पर्व पर आज सुबह से ही भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। भक्त और भगवान के मिलन का ये दौर आज रात शयन आरती तक ऐसे ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजेश जय
तो आपने रिपोर्ट देखी कि कैसे लोग आस्था के सागर में डूबे हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग आज प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए उस भव्य भवन में पहुंचे जिसमें विराजित होने के लिए प्रभु श्री राम के लोगों ने वर्षों का इंतजार किया है और आज वो सपना लोगों का पूरा हुआ कि वो अपने आराध्य के दर्शन भवन में कर सके, अपने भवन में कर सके और उनका जन्मदिवस मना सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार इस पर सियासत कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, फिर चाहे उत्तर प्रदेश से हो या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो तो सीधे सीधे रामनवमी को लेकर लोगों को भड़काने का काम कर रही हैं, जिस पर अयोध्या के लोगों में भी नाराजगी सामने आई और लोग बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आस्था पर राजनीति क्यों की जा रही है, क्या आस्था पर राजनीति करके लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, सियासत चमकाना चाहते हैं। रिपोर्ट देखिए। लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी भपौती नहीं रामनवमी। ये ममता दीदी रामनवमी नहीं कर रही है, ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? आज पूरे देश में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राम भक्त अपने प्रभु के जन्म पर 500 साल बाद इस तरह का उत्सव मना रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंचे हुए हैं। इसे बीजेपी अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष उस पर सियासत से बाज नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि भगवान राम किसी की बपौती नहीं है। रामनवमी को जो कोई कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं और एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं। ये वही राम गोपाल यादव हैं जिन्होंने अयोध्या का न्योता ठुकराया था, अब जब त्योहार का दिन है तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। उधर बंगाल में भी रामनवमी पर सियासी पारा हाई है। गौरतलब है कि पिछली रामनवमी पर बंगाल में काफी बवाल हुआ था, अब सीएम ममता के एक ट्वीट ने बवाल मचा दिया है। सीएम ममता ने रामनवमी पर बधाई से ज्यादा चिंता इस बात की जाहिर की कि कोई अशांति ना फैलाए। इस मुद्दे को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया और ममता के साथ राम गोपाल यादव को भी जवाब दिया। ममता बनर्जी जी ने पर्व को अशांति से जोड़ रही हैं, ये सीधा सीधा रामनवमी के पर्व का अपमान है। यानी एक बार फिर भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास। आज प्रभु रामचंद्र के आशीर्वाद से हम राम राज्य का संकल्प पूरा करने के लिए आज वचनबद्ध हो और ये संकल्प पूरा करने की पूरी कोशिश करें, यही सही अर्थ में यथार्थ होगा। प्रभु राम के अपमान पर पहले ही इंडिया लायंस बैकफुट पर है, लेकिन कई नेता अभी भी इससे बाज नहीं आ रहे। इस लिस्ट में संजय राउत का भी नाम जुड़ गया। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला करते करते रामनवमी पर ही सवाल उठा दिया। ये ममता दीदी रामनवमी नहीं कर रही है, या और कोई क्या कर रहा है, ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? हाँ, ये प्रधानमंत्री का काम है। हाँ, ये गली के लोग भी इस प्रकार की बात नहीं करते। ये कौन से प्रधानमंत्री है, किसने बनाया प्रधानमंत्री? एक तरफ विपक्ष के बयान वीर है तो दूसरी तरफ देश में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामनवमी पर पीएम मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बधाई दे रहे हैं और 500 वर्ष बाद आए इस उत्सव पर भाव विभोर हो गए। ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। 2024 के चुनाव में विपक्ष जीत का दावा तो कर रहा है, लेकिन उसके नेताओं के सनातन विरोधी बयान उसके सपनों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि जब जब राम विरोधी बयान दिए गए तब तब विपक्ष को हताशा ही हाथ लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।